नमस्कार, मैं श्रुति झा और आज है 28 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। 65वीं पीटी परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव, सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के आंसर की में विशेषज्ञ समिति ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत 9 सवालों के जवाब में बदलाव करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही विशेषज्ञ समिति ने यह भी साफ साफ कहा है कि जारी होने वाले बदलाव केवल उत्तर के विकल्पों में किए जाएंगे। बदलाव के पश्चात जल्द ही नया आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आज से जारी होगी नियोजित शिक्षकों के समान वेतन की मांग की रूपरेखा। बिहार में सभी नियोजित शिक्षकों के समान वेतन मान समेत विभिन्न मांगों को उठाने की रूपरेखा तैयार करने का सारा काम आज से शुरू हो जाएगा, जिसके तहत पटना प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ ने पटना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले लगभग 6 जिलों में शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक दिवसीय जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन करने जा रहा है। बिहार बोर्ड की कॉपियों में देखने को मिलेगा ये बदलाव। बिहार बोर्ड से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए बदलाव के अनुसार अब इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों की कॉपी में उनकी फोटो भी लगी होगी, यानी कि इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 30 लाख परीक्षार्थियों की कॉपी में उनके फोटो प्रिंट मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड ने यह पहल परीक्षा के दौरान कॉपियों के जाँच के दौरान होने वाले वाक्यों को ध्यान में रखते हुए लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया निर्देश। अब सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर सभी सरकारी संस्थानों में डॉक्टर मुहैया कराने का ऐलान किया है, जिसके लिए बिहार सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा है। एक बार प्रस्ताव पास होते ही सभी सरकारी संस्थानों में चिकित्सकों की नियुक्ति करवा दी जाएगी। बिहार में ठंड का टूटा रिकॉर्ड। बिहार में ठंड का रिकॉर्ड टूट चुका है। ठंड के मारे लोगों का बहुत बुरा हाल भी हो रहा है। पछुआ हवा बहने के कारण पूरा बिहार शीतलहर के चादर में लिपट गया है, जिससे कि मौसम में ठंड का असर काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान घटकर 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी ठंड का असर और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। विमानों के देर से पहुंचने पर यात्रियों ने की शिकायतें। ठंड बढ़ते ही इसका असर गाड़ियों के साथ साथ विमानों पर भी दिखने लगा है। 2 दिनों पहले पटना से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के लेट होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं कुछ विमान ऐसे भी हैं जो 4-4 घंटे देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं, जिससे परेशान होकर यात्रियों ने एयरलाइंस के खिलाफ शिकायत की है कि उन्हें देर हुई विमानों की जानकारी सही समय पर नहीं दी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने CAA और NRC पर कही यह बड़ी बात। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आए दिन विपक्षी दलों पर बयानबाजियां करते रहते हैं, ऐसा ही कुछ उन्होंने एक बार फिर किया है। एक बार फिर उन्होंने CAA और NRC का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। चंपारण पहुंचे कुशवाहा ने समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए कहा है कि CAA और NRC देश को बांटने का काम कर रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को अभी तक इस विधेयक की ही सही जानकारी नहीं है, जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान नौजवानों और गरीब तबके के लोगों को होने वाला है। सीतामढ़ी की रजनी बनेगी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा। सीतामढ़ी की रजनी आज के समय में महिलाओं के हित के लिए समाज में खड़ी हैं। उनकी आवाज बनकर सैकड़ों महिलाओं के उत्थान के लिए दिन रात काम कर रही हैं। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पूर्व केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में आयोजित दूरदर्शन के न्यू इंडिया संकल्प कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित भी किया था, जहां पर उनके जीवन की अब तक कहानी को दूरदर्शन ने सक्सेस स्टोरी के रूप में पेश किया था। और अब अगले महीने रजनी को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का हिस्सा बनने का भी मौका दिया गया है। भोजपुर में कई योजनाओं का किया गया शिलान्यास। जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है, और क्यों ना करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी प्रतिबद्धता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली के 5वें चरण के तहत बिहार के भोजपुर जिले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाली हाउस, मत्स्य पालन, विभिन्न तालाबों और बगीचों का अवलोकन किया और साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्राइवेट नावों का परिचालन रहेगा बंद। आम नागरिकों के लिए एक अहम सूचना। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक अब गंगा में निजी नाव घूमते नजर नहीं आएंगे। जिला प्रशासन ने नए साल के शुभ अवसर पर किसी भी तरह के अप्रिय वाक्यों से बचने के लिए यह फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि नए साल के शुभ अवसर पर बहुत सारे लोग गंगा नदी के किनारे बने टापू पर घूमने आते हैं, ऐसे में सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी नाव चालकों को सख्त निर्देश जारी करके यह भी साफ किया है कि अगर किसी ने प्रशासन द्वारा जारी किए गए फैसले के विरुद्ध कोई काम किया तो वैसे चालकों को सख्त परिणाम झेलने होंगे। प्रकाश उत्सव से पहले कंगन घाट साज सज्जे के साथ हो गया तैयार।
प्रकाश उत्सव से पहले कंगन घाट सात सजे के साथ हो गया तैयार। गुरु गोविंद सिंह के 353वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं के आगमन से पहले कंगन घाट को पूरी तरह से सजाकर तैयार कर दिया गया है, जिसके बाद से कंगन घाट पर श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, कंगन घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाने की पुष्टि करने के लिए वैशाली CS इंद्रदेव रंजन ने खुद से कंगन घाट का जायजा लिया, घाट पर मौजूद डॉक्टरों से मुलाकात भी की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब पटना से विभिन्न जिलों के लिए चलाई जाएंगी 24 और बसें। आम नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए अब सरकार ने पटना से विभिन्न जिलों के लिए कुल मिलाकर 24 अतिरिक्त बसों के परिचालन को हरी झंडी दिखा दी है। इतना ही नहीं, अब पटना से झारखंड जाने वालों के लिए भी सरकार नए साल का तोहफा लेकर आई है, जिसके तहत अब अगले साल फरवरी तक झारखंड के लिए 20 नए बसों के परिचालन को शुरू किया जाएगा। ज्ञात हो अभी ये सारी बसें पार्टनरशिप पर चलेंगी, मगर उसका सारा कंट्रोल परिवहन विभाग के हाथ में होगा। ध्यान रहे, शुरू हुई सभी बसें मीठापुर बस स्टैंड और बांकीपुर बस स्टैंड से खुलेगी। नियोजित शिक्षक सरकार पर बना रही दबाव। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर अपने तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नियोजित शिक्षकों ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगों का समाधान नहीं निकला तो वो सरकार द्वारा 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। आपको बता दें, बिहार के सभी नियोजित शिक्षक समान वेतन मान की मांग सरकार से कर रहे हैं। लगभग 5 लाख छात्र हुए साइकिल से वंचित। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार की ओर से सभी स्कूली छात्र छात्राओं को मिलने वाली अनुदान राशि से लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं को अलग रखा जाएगा, जिसका कारण है उन छात्र छात्राओं का स्कूल में अनुपस्थित रहना। यानी कि वैसे छात्र छात्राएं जो स्कूल में उपस्थित नहीं होते हैं, उन सभी छात्रों को साइकिल के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर सरकार ने अब रोक लगाने का फैसला किया है। ज्ञात हो, वर्तमान में सभी सरकारी स्कूलों में 15 लाख बच्चों का नामांकन है, जिनमें से मात्र 10 लाख बच्चे ही नियमित तौर पर स्कूल जाते हैं और अब उन्हें ही सरकार से मिलने वाली राशि का पात्र माना गया है। एडमिट कार्ड पर छात्रों का हस्ताक्षर होगा अनिवार्य। CBSE ने एक बार फिर से प्राइवेट छात्रों के लिए नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत CBSE ने यह साफ कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। बिना हस्ताक्षर के आपका प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा और बिना प्रवेश पत्र आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा, NRC और CAB को लेकर गलत मंशा फैला रही है कांग्रेस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देश भर में जारी CAB और NRC के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस सरकार को आरे हाथों लेते हुए यह कहा है कि CAB और NRC के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में गलत मंशा फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस बस अपने स्वार्थ के लिए माहौल को खराब करने में लगी है। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे ने उक्त बातें बिहार के भागलपुर जिले में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर आयोजित की गई परिचर्चा में कही है। लखीसराय के अभयनाथ स्थान पर देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अभयपुर गांव के दक्षिण में पहाड़ की चोटी पर अवस्थित यह पवित्र स्थान आसपास के इलाके में काफी प्रसिद्ध है। जिले के लोगों का मानना है कि बाबा अभयनाथ के नाम पर ही गांव का नाम अभयपुर पड़ा। यहां पर साल आषाढ़ के पूर्णिमा को भव्य पूजा अर्चना होती है। यहां जाने के लिए आपको मसूदन स्टेशन से पैदल लगभग 1 किलोमीटर पहाड़ का रास्ता तय करना पड़ेगा। बिहार के मुख्य सचिव को दिया गया 6 महीने का एक्सटेंशन। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार का कार्यकाल 29 फरवरी 2020 को खत्म होने वाला है, मगर अब सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत मुख्य सचिव दीपक कुमार के कार्यकाल में अब लगभग 6 महीने की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलते ही बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया। CAA और NRC के विरोध में मांझी और OYC साथ साथ आएंगे नजर। हम प्रमुख जीतन राम मांझी यूं तो हमेशा से AIMIM के खिलाफ खड़े दिखे, मगर CAA और NRC को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि CAA और NRC के खिलाफ वो किसी के साथ भी मंच साझा करने के लिए तैयार हैं। एक मीडिया हाउस को दिए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि 29 दिसंबर को किशनगंज में AIMIM के असुद्दीन ओवैसी के साथ नागरिकता विधेयक के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बिहार में 122 जजों का हुआ प्रमोशन। बिहार की राजधानी पटना में लगभग 122 जजों का प्रमोशन किया गया है, जिसके तहत गृह विभाग ने अब प्रमोट किए गए जजों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया है। आपको बता दें, इन सभी ज्यूडिशियल जजों का प्रमोशन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर किया गया है। गृह विभाग के इस फैसले के बाद सभी प्रमोटेड जजों ने विभाग का शुक्रिया अदा किया है। व्हाट्सएप ने रिलीज किया अपना एक और नया फीचर।
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन अपने फीचर में बदलाव करता रहा है और शायद यही वजह है कि व्हाट्सएप की लोकप्रियता अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में बनी हुई है। अब व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए एक नया फीचर लेकर आया है जिसके तहत अब यूजर्स द्वारा सेट किए गए टाइम पर अपने आप मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। अभी यह अपडेट सिर्फ एंड्रॉइड बीटा वर्जन में उपलब्ध करवाया गया है, जल्दी इसे सारे फोन में भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। रोहित शर्मा ने कहा, हमारी टीम में विश्व कप खिताब बचाने का पूरा दम। भारतीय टीम के सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि 17 जनवरी से शुरू हो रहे अंडर 19 विश्व कप के लिए जाने वाली भारतीय अंडर 19 टीम काफी मजबूत है और यह टीम दक्षिण अफ्रीका में अपने खिताब की रक्षा करने में पूरा दमखम झोंक देंगी। रोहित ने एक इवेंट में कहा है कि हमारी टीम हमेशा की तरह मजबूत दिख रही है, हम बीते संस्करण का खिताब जीते थे, मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस साल भी हमारी टीम निश्चित तौर पर जीतेगी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि यह टीम काफी अच्छा खेलेगी। इन खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऐसे में सभी अच्छा करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह टीम कप घर लेकर आएगी। आपको बता दें, 2018 में भारत ने पृथ्वी शॉ की कप्तानी में यह खिताब जीता था। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। अब बिहार के कई जिलों में कोहरे का असर दिखने लगा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद और शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर आप सोना चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह खबर कुछ खास है। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 27 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,164 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,747 रुपए था, यानी कि सोने के भाव में कल के मुकाबले आज इजाफा हुआ था। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,000 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.41 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.95 रुपए प्रति लीटर था। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पीसीबी ने जारी किया आदेश। देश भर में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में लाने की तैयारियों में लगे हैं। इसके लिए बोर्ड ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और धर्मशाला से जुड़े कर्मचारियों को संदेश भेज दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के ज्यादातर होटल और रेस्टोरेंट प्रदूषण नियंत्रण का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके हिसाब से बिहार का सबसे साफ सुथरा जिला कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बिहार जगत से जुड़ी तमाम खबर को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।